Hey guys, I'm Tanisha Rikwal and welcome back to my blog. So guys, आज है सैटरडे एंड सैटरडे को क्या करेंगे हम वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी. एंड आज का मैं आपको मौसम का समाचार भी दे देती हूँ. बाहर बिल्कुल धूप नहीं है, मौसम पहले से थोड़ा कूल है और ऐसे ही रहेगा तो शायद बारिश भी हो सकती है, कुछ नहीं बता सकते. उसके लिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड अगर पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए. गाइस, कल के वीडियो में आपने देखा होगा मैंने दिखाई किस तरीके की बारिश हुई, 10 मिनट की बारिश. तो उसके बाद बारिश तो कम हुई, हवा ज़्यादा चली और हवा ज़्यादा चलने की वजह से अंदर इतनी ज़्यादा धूल बैठ जाती है ना, इतना ज़्यादा गंदा लग जाता है और मेरा काम इतना बढ़ जाता है. अब इतना मतलब पूरा धूल धूल, कोई भी आप दूर से देखोगे पूरा डस्ट दिखती है इतनी लेयर, तो वो डस्टिंग मैं अभी कर रही हूँ. बट सीरियसली गाइस, बारिश भी नहीं हुई और ज़्यादा काम भी बढ़ गया, आप देख रहे हैं. सो गाइस, किस किस को कढ़ी चावल अच्छे लगते हैं? अगर अच्छे लगते हैं तो कढ़ी चावल बन गए हैं. आ जाओ सब लोग. कौन आया? अब मैं आपको थोड़ी टच कर लूं. नहीं, गलत पावर हो गई, ये भगवान पावर नहीं देंगे. पहले आईज क्लोज करके हैंड सही करके जोड़ के खड़े. सो गाइस, आज है संडे और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मैंने काम नहीं करना है और काम की कमान संभालेंगे सागर, मेरे सुप्रिय पति देव जी. बिकॉज आज ये जा रहे हैं किचन में, किचन में बनाएंगे ये क्या बनाओगे? चिकन करी बनाने जा रहे हैं. बस मैं इससे ये चाहती हूँ कि करी तो बनाए बट क्लीनिंग भी होए, क्योंकि ये क्लीनिंग मतलब ऐसा कर देते ना, गंदा किचन कर देते. तो सागर क्लीनिंग भी करनी है, साथ में चिकन भी बनाना है. रेडी हो तुम? रेडी हो? Oh, yes, तो क्लीनिंग भी कर देना, ठीक है? पूरा सफाई, बिल्कुल सफा चट, बिल्कुल. तो देखिए गाइस, मैं बताती हूँ चिकन कैसा बनाया है. वैसे मुझे लगता है तो है नहीं कि अच्छा बनाएंगे, देखते रिजल्ट क्या आता है, कैसा चिकन है मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ. तो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड. अगर वीडियो पसंद आता है और चिकन पसंद आता है कलर वाइज या मुझे खाने में अच्छा लगता है वो भी मैं आपको बताऊंगी. तो स्टे ट्यून्ड गाइस, टिल देन टाटा बाय बाय. आप तो मम्मा को अच्छे नहीं मानते हो. You don't love me? Papa. You love Papa? Only Papa? Mama, go. Mama, go. शिकायत करने आ गया मम्मी, मैं कब कूदी पृथ्वी? झूठ बोलते हो आप. मम्मा बहुत प्यारी लग रही है. वाओ, आई एम लुकिंग वेरी स्वीट. ये बहुत गंदा बच्चा है. यू आर वेरी बैड बॉय. You don't love mommy, you only love papa. है ना? कट्टी कर लो मेरे से, पक्की वाली कट्टी. दादाजी से भी कट्टी करा दूंगी जो आपके बेस्ट फ्रेंड है. कहाँ तक पहुंच गई तुम्हारी किचन के कारनामा? अभी चिकन बॉईल हो रहा है, चिकन को अलग पका रहा हूँ, उसको अलग पका रहा हूँ. आप क्लोजअप भी ले सकते हैं. आप मुझे चिकन की शक्ल दिखाओगे थोड़ी देर में? हाँ, अभी देख लो थोड़ा सा. And in the other cooker, we are pakawing. आज मुझे लग रहा है चिकन बहुत बढ़िया बनने वाला है. हमारे शेफ है, ये शेफ. He is my chef, personal chef. You are my personal. Yes. And can you leave this room? It's too hot here. Exhaust fan भी चला दे. अभी चलाऊंगा. चला दो. He is my personal chef. अब ये रोज यही खाना बनाए तो मुझे कितना ज़्यादा अच्छा लगा. मेरे कोई काम नहीं, मैं sleeping all the time. ऐसा कर लोगे तुम? हाँ मैं कर लूँ. झूठ बोलते हो तुम? ऑफिस से आकर खाना बनाओगे? What a joke! चिकन का कलर तो अच्छा है, अगर अच्छा बनेगा तो वाओ. सागर से हर सैटरडे संडे किचन में काम करवाना पड़ेगा.
सागर को नॉनवेज बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मटन चिकन वगैरह इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आजकल थोड़ी खुजली लगी हुई है कि उन्हें बनाना भी है तो खाना भी है और हमें भी खिलाना है, क्योंकि हम नहीं खाएंगे तो फिर इनको पता नहीं चलेगा ना टेस्ट कैसा कैसा होना है, इसीलिए सब चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। So guys, अभी चिकन का क्या हाल है का सागर बताएंगे कि आप चिकन बन गया क्या सागर? चिकन इज ऑलमोस्ट डन। इधर की साइड आओ, इधर लाइट आती है, हाँ बताओ। चिकन इज ऑलमोस्ट डन, सो वी आर जस्ट गिविंग इट अ फाइनल टच ऑन द स्लो फ्लेम वी आर कुकिंग। अरे पापा, अरे बेटा, हाँ। सो इट्स ऑलमोस्ट डन। हिंदी बोलो, हिंदी चैनल। ओके सॉरी। तो चिकन बन चुका है, बस आखिरी लास्ट उसको उबाल देने के लिए रखा हुआ है धीमी आंच पे, ताकि सारे मसाले करी चिकन सब एक दूसरे में अच्छे से अमेलगमेट हो जाए। तो बस यही है कि अभी नमक वमक चेक करेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो उसको मेंटेन करेंगे। लास्ट कितना टाइम लगेगा खाने में? 10 मिनट्स में रेडी हो जाएगा, उसके बाद आप राइस वाइस चढ़ाइए एंड देन वी कैन वी आर रेडी टू हैव द लास्ट। फास्ट फूड में दिखाओ, एक मिनट में दिखाओ। तो आज तो तुमने किचन का बिल्कुल, आज सागर ने मतलब किचन गंदा नहीं कर रखा है ज्यादा, वरना अदरवाइज ये पूरा जो किचन है इतना गंदा हो जाता है, मैं बता नहीं सकती, बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। देयर इज सम इम्प्रूवमेंट, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट। कितने बार बना चुके हो अभी तक चिकन? 5 times बनाया होगा। सो आई एम वेरी हैप्पी कि किचन भी मेरा साफ है एंड मेरा चिकन भी बन गया है, मतलब खाना भी बन गया है मेरा। राइस चढ़ाने, राइस चढ़ा के मैं इसकी शक्ल दिखाऊंगी आप लोगों को कैसी बनी है। अगर अच्छी बनी होगी तो सैटरडे एंड संडे सागर की ड्यूटी रहेगी कि खाना बनाना है और अपनी प्रिय पत्नी को खाना खिलाना है। सही है सागर? ओके। आपका बेटा तो खाता नहीं है। बेटा देख देख के खाने लगेगा ना? हाँ, अभी नहीं खाता पृथ्वी, उसको अभी अच्छा नहीं लगता, और देखो कब से खाना शुरू करता है। और सागर इतना एक्साइटेड हो जाता है, कभी ये ऐसा नॉनवेज हाथ में लेके ऐसा मुंह में टच भी कर ले तो उस दिन तो सागर की पार्टी हो जाती है, मतलब पृथ्वी ऐसा काम कर लेगा तो उस दिन तो सागर को ऐसा लगता है उसके लिए इतना बड़ा काम हो गया, वो पार्टी भी दे देगा। बट अभी पृथ्वी खाता नहीं है चिकन, होप सो जल्दी से खाए, बिकॉज उनके मदर एंड फादर तो अच्छे वाले नॉन वेजिटेरियन, बड़े वाले नॉन वेज हैं, खाते हैं हम लोग बहुत अच्छी तरीके से नॉन वेज। पृथ्वी क्या चाहिए आपको? पृथ्वी के लिए एप्पल कट करती हूँ, बिकॉज ये बहुत जोर से बोल रहा है, कब से बोल रहा है मुझे खाना है खाना है खाना है। अभी पढ़ाई कर रहा था तो पढ़ाई पूरी होगी। पढ़ाई में अगर आपने मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा आप देखिएगा, इतना यौन करता है इसको, ऐसा लगता है कि पढ़ाई में मैंने कुछ दवा मिला दी और इसको नींद आ रही है ऐसे। मैं इसके लिए एप्पल कट करती हूँ, टिल देन आप स्टे ट्यून्ड रहिएगा। ये हमारे महाराज पैदल नहीं चलते, चलते नहीं है। क्यों नहीं चलते हो पैदल? मैं क्यों मत बोलूं? नहीं बोलूं मैं आपसे? आप अकेले नहीं जा सकते हो यार, सीरियसली क्यों नहीं जा सकते आप अकेले? इसलिए नहीं कि मैं छोटा हूँ। मुझे तो बिग लगते हो, बिग और हैवी भी। नो, यू आर। नो, यू आर। नो, यस। नो, एक मारू मैं आपको, मारू जो चाहिए आपको ये वाला, मैं आपके लिए तो लाया हूँ, मैंने पृथ्वी खेलेगा इससे। दादाजी ढूंढेगा कौन आपको? आपको ढूंढेगा कौन? मम्मी ढूंढेगी। मैं क्यों ढूंढूंगी? अच्छा मम्मी ढूंढेगी। मैं नहीं खेल रही आपके साथ। कैसे बनते हैं? और वो आप ऐसे इसको क्या कहते हैं? गुड, वेरी गुड। इसको नोट घोड़ा आपका? अबे भी मेरा भी घोड़ा आ रहा है, टिक 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 टिक। मेरा घोड़ा टू हो गया जी, आपको टू गिरा दिया और गिरा दिया। ओहो भैया तो गिर गया, चलो उसको यहाँ। सो पृथ्वी महाराज दादाजी के साथ ऐसी खेलते रहेंगे और मैं अभी ऊपर आ गई हूँ तो ये दादाजी के साथ खेलता है क्योंकि दादाजी इसकी बेस्ट फ्रेंड है। सो गाइज यू कैन लुक द कलर, आप देख सकते हैं चिकन का कलर जो सागर ने बनाया है, लुकिंग वाइज तो ऑसम है। खाने में कैसा होगा वो मैं टेस्ट करके बताऊंगी, अभी मुझे भूख नहीं लग रही है।
एंड अभी सागर भी एट द मोमेंट है नहीं यहाँ पे, तो अभी देखिए कब तक आता है, उसके बाद खाएंगे और मैं आपको दिखाती हूँ टेस्ट करके कैसा बनाया है और अच्छा बनाया अच्छा नहीं बनाया। अच्छा बनाएगा तो बोलेगा मैंने तुमसे ज़्यादा अच्छा बनाया, मुझे कुकिंग आती है और तुम्हें कुकिंग नहीं आती इतना टाइम बनाने के बाद। कैसा बनाया होप्स अच्छा ही बनाया होगा, कलर तो बहुत ज़्यादा ऑसम लग रहा है, सो उसके लिए आप ज़रूर वेट कीजिए कि कैसा बनाया है वो मैं आपको बताऊँगी।